नमस्कार दाएंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों का। श्रीलंका में लोकतंत्र शर्मसार, संसद में जूतम पैचार, पक्ष विपक्ष सांसद एक दूसरे से भिड़े, स्पीकर पर कूड़ेदान और किताबें उछाली। सबरीमाला विवाद पर बैठक रही बेनतीजा, कांग्रेस भाजपा ने किया बहिष्कार, केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने पर अडिग। कांग्रेस ने राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा मोदी ने राफेल से जुड़ी बैंक गारंटी को कराया माफ। और प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया हुई तेज, भाजपा प्रत्याशी अरुण चतुर्वेदी और बीएसपी के नवीन पिलानिया ने किया नामांकन दाखिल। श्रीलंका में चल रहे राजनैतिक विवाद के बीच स्पीकर पर कूड़ेदान और किताबें उछाली गई। श्रीलंका में लोकतंत्र उस समय शर्मसार हो गया जब पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे से जा भिड़े। वजह थी देश के नव नियुक्त प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा कि संसद के अध्यक्ष को यह हक नहीं है कि वो उन्हें पद से हटा सके। राजपक्षे को संसद में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना था, जिसके लिए सत्र बुलाया गया। जैसे ही संसद अध्यक्ष कारू जयसूर्या ने कहा कि देश में कोई सरकार नहीं है और ना ही कोई प्रधानमंत्री, तो राजपक्षे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वो इस बयान से सहमत नहीं है और मतदान के पक्ष में है। राजपक्षे ने देश में नए सिरे से चुनाव कराने और राजनीतिक गतिरोध खत्म करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को साथ आने का आह्वान किया। सबरीमाला मंदिर में महिलाएं प्रवेश पर विचार विमर्श को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, ये बैठक बेनतीजा रही। कांग्रेस और बीजेपी ने सरकार से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले को लागू करने के लिए और वक्त मांगे। दोनों दलों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। वहीं केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने पर अडिग है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने मंदिर में महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाने के संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा था कि सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राफेल सौदे को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरों, रक्षा मंत्री और रक्षा परिषद के खिलाफ जाकर लड़ाकू विमानों के आधार मूल्य को क्यों बढ़ा दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने राफेल से जुड़ी बैंक गारंटी को माफ करवा दिया और मध्यस्थता के प्रावधान को बदल दिया, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। सुरजेवाला ने राफेल मामले की संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग दोहराते हुए ये सवाल किया है कि आखिर प्रधानमंत्री ने किसे फायदा पहुंचाने का काम किया। राफेल घोटाले में मोदी जी की कच्ची रसीद का कच्चा चिट्ठा अब सामने आ गया है। देश के कानून मंत्रालय, सुरक्षा मंत्रालय, कानून और सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की लिखित राय के बावजूद देश के चौकीदार ने चोर दरवाजे से राफेल के दाम कैसे बदले, वो भी अब हमारे सामने है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राफेल लड़ाकू जहाज का बेंचमार्क प्राइस 5.2 बिलियन यूरो यानी 39,422 करोड़ से बढ़ाकर 8.2 बिलियन यूरो यानी 62,166 करोड़ रुपया कर दिया। अब इसका खुलासा और पोल खोल उस समय के रक्षा मंत्रालय के फाइनेंस के प्रभारी अधिकारी सुधांशु मोहंती जी ने भी कर दी है। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में 8.2 बिलियन यूरो का बेंचमार्क प्राइस या 62,166 करोड़ का बेंचमार्क प्राइस स्वीकार कर लिया। आप राफेल लड़ाकू जहाज की हायर बेंचमार्क प्राइस 62,166 करोड़ निर्धारित कर किसका फायदा कर रहे थे। गन पॉइंट पर इनोवा कार लूटने के बाद खुफिया एजेंसी ने जैश ए मोहम्मद के 7 आतंकियों के पंजाब में घुसने की संभावना जताई है।
काउंटर इंटेलिजेंस के आईजी ने पंजाब के सभी डीजीपी, आईजीपी, कमिश्नर और एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि पंजाब में जैश के 6-7 आतंकियों की संभावित घुसपैठ हो चुकी है। आतंकी फिरोजपुर एरिया में छिपे हो सकते हैं, लेकिन वे दिल्ली की ओर रुख करना चाहते हैं। 3 वरिष्ठ नेताओं के सुरक्षा घेरे में हुए उल्लंघन को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने दिल्ली सरकार व राज्य सरकार को पत्र लिखा है। ये 3 नेता हैं, लालकृष्ण आडवाणी, गुलाम नबी आजाद और फारूक अब्दुल्ला। 2 नवंबर के इस पत्र में एनएसजी के महानिदेशक ने उल्लंघनों की विशिष्ट प्रकृति के बारे में लिखा है, जिसमें स्थान का विवरण तारीखों के साथ दिया गया है। इन उल्लंघनों में उनके काफिले में जैमर और एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराना, निजी सुरक्षा अधिकारियों को प्रोटेक्टी के वाहन में जाने की इजाजत नहीं देना और बहुत से अनाधिकृत लोगों को उनके वाहनों में बैठने की मंजूरी देना शामिल है। जहां आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, वहीं आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और अब्दुल्ला 3 बार जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेशनल हेराल्ड स्वामित्व वाली एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को प्लांट दोबारा आवंटित करने के मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री होने के कारण मामले में चार्जशीट के लिए राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक था। अब चार्जशीट के लिए राज्यपाल की ओर से मंजूरी मिलने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेशनल हेराल्ड की सहयोगी एजेएल को प्लाट आवंटन मामले में राज्यपाल की अनुमति पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और आवंटन कानून के अनुसार किया गया था। मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश चल रही है। एजेएल को प्लाट आवंटित करने का मामला 1982 का है। कठुआ में दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतार दी गई 8 साल की बच्ची के परिवार ने अपनी वकील दीपिका राजावत को हटाने का फैसला किया है। कठुआ पीड़िता के पिता ने कहा है कि दीपिका अदालत में सुनवाई के दौरान बमुश्किल ही उपलब्ध होती है। परिवार के एक करीबी ने कहा कि पीड़िता के पिता ने पंजाब की पठानकोट अदालत में आवेदन दाखिल किया है, जहां मामले को स्थानांतरित किया गया था। आवेदन में कहा गया है कि राजावत उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी और उनसे वकालतनामा वापस लिया जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति तेज हो गई है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री महेश शर्मा जयपुर आए। उन्होंने भाजपा मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। महेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। हमारी राजस्थान की सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं। मैं हमारी सरकारों और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम एक बार फिर राजस्थान में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार हमारी बनेगी और देश और प्रदेश मिलकर राजस्थान को और देश को हम नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत, भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान शिखर पर है और उसी दिशा में हम सब लोग अग्रसर हैं। प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा से जुड़े प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अरुण चतुर्वेदी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा भी साथ रहे। वहीं आमेर से बीएसपी के प्रत्याशी नवीन पिलानिया ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। गौरतलब है कि आज नामांकन दाखिल करने का 4th दिन था। जयपुर में आप पार्टी व कई अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने पर्चे भरे। जयपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने से पहले भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन किए। वहीं मीडिया से बातचीत में अरुण चतुर्वेदी ने अपनी जीत का दावा किया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते सिविल लाइंस विधानसभा में चुनाव लड़ने के नाते अपना नामांकन मैंने दाखिल किया है। मेरे साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जयपुर के सांसद सम्मान्य रामचंद्र जी बोहरा, किशन पोल से विधायक और उसी क्षेत्र के मतदाता सम्मान्य मोहन जी गुप्ता और सब वरिष्ठ कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम के समय पूरी सॉलिडरिटी के साथ साथ में हैं। मैं कह सकता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में, 5 वर्षों में, जिस प्रकार से आम जन के साथ जुड़ करके उनकी समस्याओं का समाधान और विकास को एक बढ़ाने का हमने प्रयास किया और काफ़ी कुछ सफल भी हुए हैं।
निश्चित रूप से जनता इस चुनाव में भी 2013 के इतिहास को दोहराएगी। भारी बहुमत से यहाँ भारतीय जनता पार्टी सिविल लाइन्स विधानसभा से जीत करके जाएगी। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। स्वर्णकार समाज ने प्रदेश के दोनों राजनीतिक दलों पर समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। स्वर्णकार समाज ने अब दोनों राजनीतिक दलों की बहिष्कार की घोषणा की है। पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि दोनों ही राजनीतिक दल उन्हें वोट बैंक समझते हैं और उनके समाज के किसी भी प्रतिनिधि को टिकट नहीं देने के चलते उनके समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि समाज अब दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं के खिलाफ अपने प्रतिनिधि चुनाव मैदान में उतारेगी। सर, हमारे समाज का राजनीतिक रूप से राजनीतिक दल शोषण करते हैं, कहीं भी हमारे समाज को तवज्जो नहीं दी जा रही है। राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज के किसी भी बंधु को राज्य कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं देते। विधानसभा और लोकसभा में हमारे समाज के लोगों को कहीं भी टिकट नहीं दी जा रही है। इससे हमारा समाज बहुत दुखी है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हम इन दोनों राजनीतिक दलों का बहिष्कार करने की आज घोषणा करते हैं और इनको हम सबक सिखाने की घोषणा करते हैं। दोनों दलों के कदवार नेताओं के सामने हमारे समाज के लोगों को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और जहां हमारे समाज का कोई भी प्रतिनिधि खड़ा नहीं होगा वहां थर्ड फ्रंट और ओबीसी जातियों का ध्यान रखने वाले, सुनार समाज का ध्यान रखने वाले दलों को हमारा पूरा पूरा समर्थन और सहयोग रहेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। अज्ञात बदमाशों ने छात्र संघ अध्यक्ष विनोद झाखड़ के कार्यालय की गेट तोड़ने की कोशिश की। हथियारों से लैस आए बदमाशों ने वहां मौजूद एक गार्ड से मारपीट भी की। छात्र संघ अध्यक्ष विनोद झाखड़ ने इस संबंध में गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। छात्र संघ अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में बदमाशों द्वारा फायरिंग करने की बात भी कही है। खास बात यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष को लेकर चल रहे विवाद के बाद बुधवार को ही जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कुलपति को दी थी। इस रिपोर्ट में विनोद झाखड़ के चयन को सही ठहराया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में मेरे ऊपर जो गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जो एवीपी संगठन द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, कल ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट ने सारे जो झूठे आरोप थे एवीपी संगठन के उनको खारिज कर दिया गया है। एवीपी संगठन अपनी हार को नहीं पचा पा रहा है। कल रात्रि के अंदर ग्रीवेंस कमेटी के रिपोर्ट के बाद निहत्ते गार्डों पर उन्होंने मारपीट करी है, फायरिंग करी है। इसके अलावा छात्र संघ कार्यालय का गेट तोड़ा है, जो घोर निंदनीय है। इसके साथ साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के सुरक्षा के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के ऊपर राजस्थान विश्वविद्यालय को और प्रशासन को जवाब देना चाहिए। पूरे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हुए हैं और एवीपी संगठन ने जो अपनी नपुंसकता का जो परिचय दिया है, ये घोर निंदनीय है। जो आम छात्रों की बात नहीं उठा सकता, आम छात्रों की बात नहीं कर सकता, वो इस तरीके के कुकृत्य कर रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सुरेंद्र नाथ जैना उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 2 दिवसीय इस उत्सव की शुरुआत शुक्रवार को रविन्द्र मंच पर होगी। आयोजकों ने बताया कि इस दौरान ओडिशी नृत्य शैली से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें देश भर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। जिसमें कल से 16-17 तारीख को रविंद्र मंच ऑडिटोरियम में ओडिशी डांस गुरु सुरेंद्रनाथ जैना की शैली में दिखाया जाएगा। वह 2 नाटक जो हिंदी में होगा, जो संस्कृत में शैली में, संस्कृत छऊ शैली में, तो दूत वाक्यम का भी उसमें दिखाया जाएगा रविंद्र मंच में 6:30 बजे। और कल है 16-17 को तो है दोनों दिन उड़ीसी डांस है शुरू में, और उसके बाद 17 को हिंदी नाटक है, 18 को जर्मन नाटक दिखाया जाएगा। हम चाहते हैं कि क्योंकि बाहर से विदेशी कलाकार आए हैं तो आप लोग का सहयोग भी चाहिए, प्रचार प्रसार हो, बहुत दूर से आए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।